वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं सीमेंट साइलो में एक साइलो से दूसरे साइलो में सीमेंट ट्रांसफ़र किस प्रकार से किया जाए। अभी तक ऐसा तो कुछ मिलेगा नहीं कि सीमेंट ट्रांसफ़र, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो इसको ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। और यहाँ हमारे साथ ऐसा हुआ कि एक साइलो को खाली करना है दूसरे साइलो, लेकिन उसके लिए अभी तक ऐसा तो हुआ नहीं कि कहीं पे साइलो को इधर से उधर खाली करने का या चेंज करने का, और ऐसा कोई सिस्टम मिला नहीं। तो इसके लिए हम लोगों ने अपना ही सिस्टम को एक ऐसे प्रकार से सेट किया जिस प्रकार से हम एक साइलो के सीमेंट को दूसरे साइलो में इजीली तो नहीं कह सकते हैं, डिफ़िकल्ट ज़रूर कहेंगे, क्योंकि उस माध्यम से हम उसको ट्रांसफ़र सीमेंट किए। और इसमें जो ट्रांसफ़र करने का, इसमें जो सीमेंट था लगभग 40 टन के आसपास था, तो उसे ट्रांसफ़र करने में 4 घंटे के आसपास, 3 से 4 घंटे लग गए। तो किस प्रकार से हुआ, तो ये पीछे जो दो सेलो देख रहे हैं तो यहीं पे, तो आइए मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, पूरे सिस्टम को समझाता हूँ किस प्रकार से ये लगा हुआ है और किस प्रकार से खाली हुआ। तो अभी हम आ गए नीचे और यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से जो सीमेंट फिटिंग ब्लोअर के साथ साथ जो स्क्रू, मतलब सीमेंट बैग फिटिंग का जो सिस्टम होता है, और यहाँ पे इस प्रकार से लगा है, और साथ के साथ जो स्क्रू चला रहे हैं वो सीमेंट ऊपर क्यों नहीं जा रहा है वो भी आगे हम बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो सीमेंट गिर रहा है इस प्रकार से, और इसको पन्नी से बाद में कवर कर दिए क्योंकि उड़ ज़्यादा रहा था, और यहाँ से थोड़ा बहुत तो उड़ेगा, और इस तरह से सीमेंट इसमें आ रहा है और स्क्रू के माध्यम से दूसरे सेलो में जा रहा है। और दूसरी कुछ ऐसी बातें हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगे उस तरह से आप करेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। इस तरह से पूरी कवर करने के बाद यहाँ से लगाएंगे, और सीमेंट जो है इस तरह से टाइम ज़्यादा लेता है बल्कर के अपेक्षा, इस तरह से खाली होने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। और यहाँ पे देखिए, तो इस तरह से जो इसका कैप है वो उसको पहले खोल लिए थे यहाँ से, और जो इसकी ऊपर की जो पाइपलाइन की सीमेंट थी वो ऑलरेडी हॉपर में चली गई, क्योंकि वो 200 केजी के आसपास उसमें सीमेंट हॉपर में आ गया, तो उसको मैनुअल प्रोडक्शन में यूज कर लिया गया। और यहाँ से जो पाइप लगाएं और उसके साथ साथ आगे जो दूसरे सेलो की तरफ को ले चलेंगे, तो यहाँ से आगे देखिए यहाँ पे ब्लोअर चालू है और स्क्रू भी चालू है, और दोनों से इधर आगे की तरफ जो आपको दिखाएंगे तो उधर को सीमेंट जा रहा है। और जैसे फिटिंग में बहुत सीमेंट कुछ उड़ते रहता है, यहाँ पे भी है और बल्कर में नहीं उड़ता, और यहाँ पे पाइप में देखेंगे तो जिस तरह से चलने का और पाइप हिलता है उस प्रकार से यहाँ पर पाइप भी हिल रहा है, सीमेंट जा रहा है, लेकिन टाइम ज़्यादा लग, इस तरह से टाइम ज़्यादा लगा खाली करने में। यही यदि सीमेंट यहीं बल्कर में होता तो 1 घंटे में होता, ऐसे 3 से 4 घंटे के आसपास लगा है। तो इसको जो खाली किए हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना पड़ा है, जो इसके सैलो के नीचे बटरफ्लाई वाल लगा होता है, तो यहाँ पे जो वाल है इसको पूरा ओपन नहीं किए हैं। यदि इसको पूरा ओपन करेंगे तो फ्लो ज़्यादा जाने की वजह से हो सकता है सीमेंट ऊपर साइड में जाए, ये ध्यान देने के लिए ज़रूरी बात है, क्योंकि इसको कम रखना है, उतना ही रखना है जितना वहाँ से सीमेंट गिर जाए, आगे ना जाए। वैसे पूरा खोल के हमने ट्राई भी नहीं किया और पूरा खोलने से दिक्कत है, और इस तरह का जो कैप लगा है इसके कैप को खोलने के बाद, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट होता है, यहाँ पे स्क्रू का जो जो स्क्रू होता है वो धीरे धीरे वो ब्रेक हो जाता है, खुल जाता है, यहाँ पे जो कनेक्टिंग होता है बीच में स्पेस हो जाता है और उसी स्पेस से सीमेंट गिरता है। तो अभी जैसे ये धीरे धीरे करके जो सैलो खाली हो गया पूरा खाली करने के बाद और सीमेंट आना बंद हो गया, तो अब यहाँ से इस तरह से जो है तो सैलो पूरा खाली हो गया। अब इसको चेक करने के लिए तो वही सिस्टम है, ठोक के चेक करना पड़ेगा कि खाली हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो हैम्बर की चोट मारेंगे तो ये खाली की साउंड होती है, और जो भरे की साउंड, यहाँ पे इस तरह से जो भरे का साउंड होता है वो आवाज़ नहीं आता है खाली जैसा, तो इस प्रकार से इसको चेक कर लेंगे, जैसे चेक करते हैं पता चल जाएगा खाली हो गया। तो इस प्रकार से कभी भी हो सेलो का सीमेंट ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ गई तो इस तरह का सिस्टम है तो आप उसको कर पाएंगे, और नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो हमारा यहाँ सीमेंट ट्रांसफ़र करने का था प्रोसेस पूरा हुआ।
और आज का जो प्रोसेस रहा काफ़ी डिफिकल्ट भरा रहा है और काफ़ी परेशानी हुआ। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।